एचडीएफसी बैंक द्वारा आज राजस्थान के बूंदी में ग्रामीण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें एचडीएफसी बैंक के राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष अधिकारी और 10,000 से ज्यादा स्टाफ और किसान उपस्थित। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक भावेश जीवारी जी, राहुल श्याम शुक्ला जी ग्रुप हेड, इशिता भगत जी ब्रांच हेड नेशनल, इन सब राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों से मेरी विस्तार से बातचीत हुई। इन सब ने सहर्ष टीसीबीटी सोल टीम के साथ काम करने की सहमति जताई है। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक हमारे साथ है और बहुत सस्ता से अपना साथ देने को तैयार है। इन आगे आकर हर तरह से सपोर्ट करेंगे, किसी भी तरह लोन चाहिए या और भी किसी भी तरह की सुविधाएं चाहिए। इन सब के बीच आज मेरा संक्षिप्त उद्बोधन भी हुआ जिसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है कि बदलते दौर में जब से जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अचानक से पूरी दुनिया में जो है वो एकदम से ऐसा फ्रंट फुट पर आई, में भी एक ऐसा नाम है आदरणीय ताराचंद जी। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर ताराचंद जी बेल जी, प्लीज हमें ज्वाइन करें और देखिए आपका जो इतने सालों का ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अनुभव है, हमारे सामने किसान भाई हैं बहुत सारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। एक बहुत बड़ा नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे देश में। सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपका अनुभव आज आप सब लोगों के काम आने वाला है। सो आदरणीय ताराचंद जी, एक बार जरा जोरदार भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। मैंने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 2005 से की है, भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ रहकर। और भारत रत्न नानाजी देशमुख का अपना एक नाम है, चित्रकूट के कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा और मझगवां से शुरू किया था। मुझे पुरानी किताबें मिल गई, वृक्षायुर्वेद, कश्यपि कृषि सूक्त, उपवन विनोद, दारासिको की लिखी हुई नुक्सा दर फन्नी फलाहात, ये सारी किताबें मेरे वेबसाइट में है। मैंने इन्हीं किताबों को पढ़ के 150 फार्मूले बनाए हैं खेती के। कितने, जोर से बोलिए। और वो 150 फार्मूले से भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, छोटे छोटे फार्मूले, जैव रसायन, भस्म रसायन, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल। आप कुछ नहीं, केवल अपने मोबाइल उठाइए और गूगल पे जाके मेरा नाम लिखिए, ताराचंद बेल जी लिखिए। सभी लगभग भारत के प्रमुख अखबारों ने भी मेरे न्यूज छापे हैं। मैंने रासायनिक खेती से नहीं, जैविक खेती से 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिया है बंधुओं, 38 फसलों का। और 2 फसलों का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, एक पौधे से 1,000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक में कैसे ही बंजर जमीन हो उसको पुनः हम स्थापित कर सकते हैं, पूरा रिजनरेट कर सकते हैं, पुनः सजीव शुद्ध कर सकते हैं। इतना बड़ा मंच है, बहुत नहीं बोलूंगा, ये लंबा विषय है। केवल आप ताराचंद बेल जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे जाइए और उस पर जाकर के पूरे वीडियो तमाम देखिए, सारे रिकॉर्ड, धान, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा। अभी मैं किन्नू के किसानों से मिलते हुए आ रहा हूं, एक ही साल में वहां के किसान करोड़पति हो गए, करोड़पति एक ही साल में। जहां पहले उनका लागत 45 लाख था, इस साल 16 लाख रुपए लागत आई और जीवन के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। तो अभी तक क्या है, रासायनिक खेती को ही कहा जाता है कि अच्छा होता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन जैविक खेती में होता है, हमने सिद्ध कर दिया है। आप केवल क्या करिए, 5 मोबाइल ऐप है, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, सोल, SOUL, सोल एजुकेशन मोबाइल ऐप है मेरा, सोल फार्मर ऐप, टीसीबीटी सोल दुकान, टीसीबीटी यानी से ताराचंद बेल जी तकनीक सोल दुकान, उसमें ये किताबें भी मिलेगी और कई उद्योग लगाने के आपको आइडियाज मिलेंगे। सुबह मेरी सर से लंबी बातचीत हुई, अगर हम सब जो है मिलके प्रयत्न करेंगे तो फिर से जैविक भारत, सुखी भारत, समृद्ध भारत, जो सोने की चिड़िया वाली भारत बना सकते हैं। बाजार से कुछ लेने की जरूरत नहीं, आपके पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों से आप रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रहा है हमारी टेक्निक में, हम एनर्जी विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान पर काम कर रहे हैं, वाइब्रेशन,
हर चीज की वाइब्रेशन होती है, हम वाइब्रेशन पकड़ रहे हैं, जो भी बीज है खाद है जिनकी वाइब्रेशन निगेटिव है उनको पॉजिटिव कर रहे हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर इसको शुद्ध सजीव करके ऊपर उठा रहे हैं। फिर दूसरा न्यूट्रिशन, हम जो है लाल मिट्टी पीली मिट्टी राजस्थान की सफेद मिट्टी पूरे देश भर में डलवा रहे हैं जिसमें 24% कैल्शियम और 36% सल्फर है, इतना फर्टिलाइजर होने के बाद भी बाजार से क्या जरूरत है, राजस्थान के लोग बाहर से लाके खाद डाल रहे हैं, यही है कैल्शियम और सल्फर। समुद्र की मिट्टी में है, ज्वालामुखी की मिट्टी डाल दो 10-15 किलो फसल चल पड़ती है, उस मिट्टी में बहुत से आयोनिक जो है प्रभाव होते हैं, ज्वालामुखी की मिट्टी किसी ने आज तक यूज ही नहीं किया। इसके अलावा हम जीवाणुओं पर काम कर रहे हैं, 1100 तरह के जीवाणु आइसोलेट किए हमने, 1100 तरह के, ये जीवाणु एक बार डाल दो आपकी खेती अपने आप होगी, खेती मनुष्य नहीं करता जीवाणु करते हैं, जंतु नाम जीवनम कृषि, ये हमारे जो है सस्य वेद का हमारे वृक्षायुर्वेद का वाक्य है कि खेती इंसान नहीं करता, खेती जंतु नाम यानी वो जीवाणुओं का जीवन ही कृषि है, वो 1100 जीवाणु आप खेत में डाल दो थोड़े से पैसे में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आएगा। और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर आगे आ रहा है, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी का HDFC की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत, और जैसे कि आपने बताया था आप बहुत काम की बातें हैं इनके YouTube चैनल पर, इनके एप्लीकेशन पर जो जरूर जो है वो सब्सक्राइब करें आप लोग। एक बार पुनः आभार ताराचंद जी का। हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर खेमा रामजी शर्मा।